सुना सफर पे प्रेम नगर पे मिल पाएंगे क्या हम आगे मत खड़े रहो फिर हम लोग आप अरे उड़ा देगा। तो हेलो गुड मॉर्निंग, क्या बोलते पब्लिक, आई होप आप सभी लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा होगा। आज हम लोग 3 दिन के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो वही चीज मैं कवर करने के लिए ब्लॉग मैंने डिसाइड किया कि मैं ले जाऊंगा। एडिट वगैरह इतना ज्यादा हुआ नहीं, पर कैसे न कैसे करके हमने जो है स्पेस बना लिया फोन में जो कि मैं ये 3 दिन का ट्रिप रिकॉर्ड कर सकूं। अभी कैसा रिकॉर्ड होता है कैसा नहीं होता है ये सारी चीजें तो आपको पता ही चली जाएंगी। अभी के लिए सनी मेरे को छोड़ने जा रहा है, तो हम लोग जल्दी निकलते हैं और वहां से फिर आगे देखते हैं क्या होता है। रुजू पार्ट जाए चल, हम स्लो मोशन में कर। हाँ अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग निकले थे 12:30 बजे और अभी 5:15 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं। वैसे हरे कृष्णा काले हो गई तू थैंक यू हरे कृष्णा सुपर मुंडा थैंक यू तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे रूम के अंदर और रूम बहुत ही बॉम्ब है। मतलब इससे पहले जब हम लोग ने फोटोज में देखा था तब इतना बॉम्ब लग रहा नहीं था जितना बॉम्ब रूम है। आप लोगों को मैं रूम दिखाता हूँ पहले। ये सब तो हमारा लगेज रखा हुआ है, ये मत देखो अभी के लिए, बाकी द रूम इज नाइस। बाथरूम भी है, मीर भाई फेस वॉश कर रहे हैं अभी के लिए तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाय मीर भाई। तो अभी के लिए तो हम जस्ट आके बैठे ही हैं, शिवम भाई और रुद्रो आने बाकी हैं अभी भी। वो लोग पता नहीं थोड़े पीछे गोल्फ कार्ट में, मैं आगे था, मीर भाई पीछे वाली गोल्फ कार्ट में थे और वो शायद तीसरी सबसे लास्ट वाली गोल्फ कार्ट में वो आ रहे होंगे। तो अभी उनको आने को रहा है, तब तक हम लोग फ्रेश हो जाते हैं और इसके बाद हमें आरती में भी जाना है तो उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। A few moments later. तो रुद्रो और शिवम भाई भी आ चुके हैं और yes, अभी हम लोग इतना शानदार रूम, इतनी शानदार फैसिलिटी, आहा। अभी हम लोग को जल्दी से बुला रहे हैं आरती में। हो रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी निकलने को। सर कह रहे हैं फोकस करें, ये हमारी टीम सर कह रहे हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं जल्दी से और आरती में। हम लोग एक्चुअली आरती में जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो अभी सबसे पहले हम लोग आरती में जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आरती कैसी होती है। आप देखते हैं कि आपको वीडियो मिलता है कि नहीं, आरती का वीडियो मिलता है कि नहीं, वो भी देखते हैं। भाई साहब ये तो वो बॉम्ब आई बुझो, भयंकर सुपर। टेक अस राजेश, टेक अस इन बैक मान, इट इज अ पीसफुल प्लेस, इट्स अ हेवन एंड देयर सो मेनी मैंगोस अप हियर, मैंगोस दैट वी आर गोइंग टू प्लक। हरे कृष्णा। द जैकफ्रूट इज हियर आल्सो। It is going to take a new roof of what? Of the Hulk. The Hulk. Hulk.
आगे जाना एक्चुअली इधर का आरती हो गया। अच्छा जनरली हम उधर लेकर गया था हमें, वहाँ पे हर रोज होता है, लेकिन आज थोड़ा हम लोग ने प्लान चेंज किया है। अंदर हमारा दूसरा एक मंदिर है वहाँ पर लेकर जाना। ओके अपने त्यां जवान से आप त्यां ये यमुना जी का घाट है कल अरे अंदर मछली गोल्ड फिश के देख सकते हैं। ओ वाओ एक वहाँ पे शीश मंदिर करके कुछ है। नहीं बता रहा हूँ वो राधा रानी का वहाँ पे सब कुछ, वो बगीचा भी है जहाँ वो होता था। गूगल पर सर्च करो, गूगल देख बस फोटो ये इमेज से सर्च करो देखो मिलता है। हाँ गूगल लेंस में ये देख वापस रूम में आ चुके हैं। आरती नहीं मतलब हम लोग की आरती मिस हो गई, तो कीर्तन के बाद हम लोग एक आइस ब्रेकिंग सेशन के लिए गए थे एक स्वामी जी के पास, और वहां से हमें बोला गया है कि कल अगर आप चाहो तो 4:30 सुबह से आप जो है आ सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले रूम दिखा दूँ। अभी अभी हमको पता चला कि रूम में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाए, जल्दी जल्दी में वापस जाना था इसलिए। तो ये रूम स्टार्ट होता है, ये हमारा गेट है, यहाँ पर हमारी रूम की जाती है, और यहाँ इस की होल से हम देख सकते हैं कोई बाहर है, फिलहाल कोई नहीं है। और इस वाले वार्डरोब के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, ये सारी पुरानी टाइप की चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे तो मॉडर्न टाइप रूम है। यहाँ पर सबके चप्पल रखे हुए हैं और अभी सबके सब आ चुके हैं, सब लोग फिलहाल सोने के मूड में हैं। शिवम भाई सिंह है, मीर भाई इज़ राइट देयर, और इधर ये जाड़िया रुद्रू, इसका नाम रुद्रू है अगर हरे कृष्णा प्रभु जी ये अभी हम लोग उस मूड में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी वाइब ऐसी है पूरे होटल की, होटल नहीं है ये, जो इको विलेज है वहाँ पर पूरा हरे कृष्णा हरे राम वाली वाइब है। और ये बालकनी मेरे को बतानी थी, बाहर की मेरे ख्याल से बाहर की है ना लाइट, बाहर की लाइट करो ना मीर भाई, बाहर नहीं लाइट करो ना, पहले ये छिल्ली वाली कर चुके नहीं थे बाहर से लाइट बाहर ही है एक्चुअली इसका लाइट। ये सुबह बहुत बढ़िया दिखेगी है, फिलहाल तो खैर पूरे प्रॉपर्टी में बहुत अंधेरा है, 100 acres की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हमको कपड़े वगैरह सुखाने के लिए सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स नीचे भी हैं जो रूम से थोड़ा चिल करने के लिए नीचे गए हुए हैं। यहाँ पर जो ये बेसिक हमारा बाहर से रूम आपको दिख रहा है, अभी मैंने यहाँ पर फ़ोन चार्ज लगाया था, हमारे बेसिक बहुत सारे लोगों के फ़ोन में तो नेटवर्क भी नहीं है, मेरे फ़ोन में था तो सनी का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन पे बात करी उससे। और ये वाला जो गेट है वहाँ से दूसरे वाले रूम से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ शायद बाजू वाला सुन रहा होगा। और ये और दो लोग ऊपर सोएंगे और दो लोग यहाँ नीचे सोएंगे। ये हमारा सारा लगेज है जो कि हम लोग को वहाँ अभी रखना है, ये पानी है और ये डस्टबिन है, मैं वॉशरूम भी दिखाई देता हूँ। ये देखो ये वॉशरूम है, यहाँ पर आपको शावर भी है, नॉर्मली अगर बकेट से नहाना वो भी है। तो जनरल से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और रुद्रु राजेश जी यहाँ पे नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ करो राजेश तो फिलहाल अभी हम लोग, मैं शायद एक वीडियो एडिट करूँगा, मेरे को लग रहा है कि मेरे को आगे और शूट करना है, तो मेरे को वीडियो एडिट करने रहेंगे। तो यही था रूम, बहुत ही बढ़िया है।
और हम सब साथ में ये और भी ज़्यादा बढ़िया है। और बताओ शिवम भाई, आज जो हम कीर्तन में गए थे, वो उस कीर्तन में जाके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कीर्तन में? देखो हम मंत्र मुग्ध हो गए और खासकर शिवम भाई। यस, और मेरी तारीफ में मेरे जो तारीफ के जो किस्से हैं वो लोग गा रहे हैं, जैसे कि रुद्रेश मेरी तारीफ में कुछ ना कुछ शब्द जरूर कहना चाहेंगे। रुद्रेश, शिवम जी काफी भावुक हो गए थे और अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो संचार बढ़ रहा था, वो पूरा यहाँ पे अपने प्रफुल्लित मन से जो है भाषण नहीं बे वीलॉग चल रहा है, वीलॉग भाषण का देते हो, वीलॉग चल रहा है। मीर तुम कहो कुछ हमारे बारे में। इट वाज ग्रेट, कुछ नहीं अच्छा था, और ये आप देख ही सकते हो और क्या कर भी सकते हैं। तो आज के दिन के लिए इतना ही गाइस, अभी हम लोग सब सोने जा रहे हैं, सबकी सोने की तैयारी चल रही है। कुछ हमारे में से लोग नीचे खेलने भी गए हैं, पर अभी मेरे को एक वीडियो एडिट करना है, मैं वीडियो एडिट करूंगा, सब सोएंगे, और कल सुबह जल्दी उठने का प्लान है, तो उस हिसाब से जो है सारी चीज़ें जल्दी सोना पड़ेगा, तभी जाके जल्दी उठ पाएंगे। और पूरा दिन ट्रैवल करा हो तो सब लोग थक चुके हैं। 4:30 बजे से हम कल जा सकते हैं, तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी जाएँ। डिनर ब्रेकफास्ट जो है सुबह 9:15 बजे मिलने वाला है, 7:45 बजे मिलने वाला है, यज्ञ का भी आनंद मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कल देखने मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको मैं नोटिफिकेशन भेज सकूं कि वीडियो आ चुका है। बेल भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग को पसंद आया तो, और कल मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट। How was the journey? It was very good.